काटे। क्या बाल का है? बड़ा मस्त स्टाइल है बालों का। सलून वाले ने काटा होगा। बेटा बालों के स्टाइल सिर्फ काटने वाले की वजह से नहीं बनते। ये जो स्टाइल तुम देख रहे हो ना, जानते हो इसको बनाए रखने में कितना खर्चा आता है? कितना? 20,000। तुमको क्या लगता है, एक बार बाल कट ले तो हो गया? और क्या, जानते हो ऐसे स्टाइल बनाने के लिए हर रोज जेल लगाना पड़ता है। भैया सही में? तो तुमको क्या लगा बाल ऐसे ही खड़े होते हैं? अगर जेल नहीं लगाओगे ना तो इधर से कंघी करोगे बाल उधर जाके सो जाएगा, और अगर इधर से कंघी चलाओगे तो बाल इधर आके सो जाएगा। 10,000 का जेल लगता है पर्डे का। अच्छा, और नहीं तो का, पूरा खोपड़ी अगर घुमा देंगे ना एक बाल भी नहीं हिलेगा। बड़ा मस्त बाल है तुम्हारा। क्या हो गया? कुछ नहीं। फिर आपने वहाँ क्यों मुंह घुमाया? हमारा मुंह है, हम चाहे इधर घुमाए चाहे उधर घुमाए, तुमको क्या? किसी के बाल हिलते ही नहीं और किसी के बाल आते ही नहीं। किसको बोल रहे हो? तुमको। अरे पागल हो क्या, ज्यादा बाल बाल ना कहा करो, बुरा लगता है गुप्ता जी को। क्यों गुप्ता जी? काहे, हमको काहे बुरा लगेगा? आप तो गंजे हैं ना, इसलिए बोल रहे थे। हम जानबूझकर बाल नहीं रखते। काहे नहीं रखते? बाल पकड़ के पीटते होंगे बाबू जी। पीटती नहीं है, स्टाइल है हमारा। अरे जाओ, झूठ काहे बोल रहे हो, आपके बाल तो आते नहीं है। तुम्हारे बाल आते? हाँ, मस्त घने बाल आते। अगर किसी ने भी गुप्ता जी को गंजा बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। माना कि गुप्ता जी गंजे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गंजे गुप्ता जी को सब गंजा गंजा बुलाए। जब जब तुम लोग गंजे गुप्ता जी को गंजा बुलाते हो, इनका सर टेंशन की वजह से और गंजा हो जाता है, इसलिए हमारे गंजे गुप्ता जी को कोई गंजा नहीं बुलाएगा। क्यों गंजे जी, मतलब गुप्ता जी? बहुत देर से सुन रहे, इतनी तेज कंटा मरेंगे बालों का सारा स्टाइल निकल जाएगा ही। अगली बार किसी ने भी, मतलब किसी ने भी अगर हमको गंजा कहा तो यही पीट देंगे। पीटी नहीं अभी तक, ये वो अभी पीट दे रहे।